Hello children, Ravi sir here. Welcome back to the fourth session of Water Resources, the 11th chapter in the geography section of your social science textbook for class 10. Dear children, in the previous session we have discussed sources of water, uses of water resources, in which we saw the use of water resources for irrigation as well as for multi-purpose projects, right? Now in today's session, we are going to discuss the problem of water crisis in India. Now, the problem of water crisis, बच्चों, आप सोचते होंगे, अगर नहीं सोचा है तो सोचना चाहिए कि हमारा देश बच्चों तीन दिशाओं से तीन महासागरों से घिरा हुआ है, राइट? यस, कैसे देखा जाए तो वेस्ट में अरेबियन सी है, राइट? साउथ में इंडियन ओशन है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तीन दिशाओं से दरिया से घिरे हैं हम, और फिर भी हमारे देश में वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम है। इतनी सारी नदियां होने के बावजूद हमारे यहां वाटर क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, क्यों? अब ये देख लेते हैं। अब देखो इसके मेन रीजंस, देखो वाटर क्राइसिस क्यों की प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो गई है वो देखते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, की फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों बच्चों? क्या ऐसा है कि यहां अब भारत के लोग पहले से अब ज्यादा खाने लगे हैं? नहीं बच्चों, लोग तो उतना ही खा रहे हैं जितना खाना पहले खाते थे, तो प्रॉब्लम कहां आ गई? यस, प्रॉब्लम खाने वाले बढ़ गए हैं, यानी पॉपुलेशन बढ़ गई है, राइट? डिमांड बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण फूड ग्रेन्स बढ़ गए हैं, और फूड ग्रेन्स उगाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, है ना? इरिगेशन चाहिए। इरिगेशन में हमने देखा है कि 84% वाटर तो इरिगेशन में चला जाता है, राइट? यानी फूड ग्रेन्स उगाने में चला जाता है, तो पानी की तो शॉर्टेज होने वाले है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मीन्स शहर बढ़ते जा रहे हैं बच्चों। आपने देखा होगा कई जगह पर जंगल है, वो जंगल कट किए जाते हैं, तबाह किए जाते हैं, डिस्ट्रॉय करके वहां रेसिडेंशियल एरियाज बन गए हैं, मकान बन गए हैं, वहां लोग रहने लगे हैं अर्बन, इतना ही नहीं, कई गांव है वो शहर बनने लगे हैं, डेवलप होने लगे हैं, अर्बनाइजेशन होने लगा है ना? और इसके लिए जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितने शहर बढ़ेंगे, उतना पानी की डिमांड उनकी बढ़ती जाएगी। चेंज इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, यस डियर, कि जैसे जैसे लाइफस्टाइल हमारी बढ़ती जाती है बच्चों, गांव वाले लोग हैं ज्यादा पानी का वेस्टेज नहीं करते बच्चों, लेकिन शहर वाले आपने देखा होगा कितनी देर तक वे नहाते रहेंगे, है ना? शावर के नीचे बैठे रहेंगे। उतना ही नहीं, ब्रश करते जाते हैं और सामने वाला जो बेसिन का जो नल है वो खुला रख देते हैं। कितना वेस्टेज ऑफ मनी, आई मीन से वाटर डियर, है ना? और उतना ही नहीं बच्चों कि छोटी छोटी बातों में कितना पानी वेस्टेज जाने देते हैं हम। जो आरओ वाटर पीते हैं बच्चों, आरओ वाटर, एक लीटर आरओ वाटर के लिए 20 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है बच्चों, और यही पानी पीने के लिए इतना भी पानी बच्चों गांव के लोगों को अवेलेबल नहीं होता, उनका पानी हम वेस्टेज कर देते हैं ना। तो चेंज इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, उसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी हैज बिकम
intense. In reasons ke karan, because of, due to increasing demand for food grains, second, increasing urbanization and change in the lifestyle of people. Water scarcity ki problem intense, bahut hi severe, acute ho gayi hai. Ye first reason, aage dekhte hain. Secondly, dusra reason, due to increasing industrialization, yes, औद्योगीकरण, जहां देखो वहां इंडस्ट्रीज, कारखाने, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की जा रही हैं बच्चों, और इंडस्ट्रीज में तो पानी चाहिए ही चाहिए, सिर्फ वर्कर्स को पीने के लिए नहीं बच्चों, वहां इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कितना सारा पानी इस्तेमाल होता है बच्चों, राइट, तो उसके लिए भी पानी चाहिए, है ना. और इसके कारण दूसरी प्रॉब्लम कौन सी, ये तो हमने देखी कि वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम हमने देखी, अब दूसरी प्रॉब्लम कौन सी हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बच्चों जो पानी होता है वो पानी पॉल्यूशन, पानी का पॉल्यूशन फैलता जाता है, यू नो वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड, द क्वालिटी ऑफ वाटर हैज डिटीरियोरेटेड. ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये फैक्ट्रीज वाले क्या करते हैं कि वहां का जो वेस्टेज होता है बच्चों, केमिकल वेस्टेज होता है, वो नदी में, नालों में फेंक देते हैं, है ना, और इसके कारण पानी की क्वालिटी बिगड़ती चली जाती है, राइट. ये दूसरी प्रॉब्लम है, शॉर्टेज तो थी, वाटर पॉल्यूशन की भी प्रॉब्लम आ गई. एज अ रिजल्ट many waterborne diseases are spreading fast. और इसी कारण पानी से होने वाली बीमारियां फैल रही है बच्चों, राइट. आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, उनके बाल सफेद होने लगे हैं, राइट, पानी बैड क्वालिटी वाटर, राइट डियर. सेकेंड कि कई यंग पीपल है, मिडल एज के लोग हैं, उनके भी घुटने दर्द, घुटनों में दर्द होने लगता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम आने लगती है, राइट, क्यों, पानी की प्रॉब्लम के कारण, राइट, साफ सुथरा पानी भी हमें नहीं मिल पाता बच्चों, राइट. तो ये जो वाटरबोर्न डिसीजेस है, ये किसकी देन है, इसकी देन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये हो रहा है, पानी बिगाड़ते जाता है. ओके ओके, आगे बढ़े. थर्ड, मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. ओके, जमीन में से कुएं खोदकर, ट्यूबवेल खोद के, बोरवेल बना के, जमीन में से ज्यादा ग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर हम निकालते ही जा रहा है, और इसकी वजह से, एंड देयरफॉर द अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज गोइंग डाउन कंसिडरेबली. जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है हमारा, वो नीचे से नीचे जा रहा है, क्योंकि यू नो वी आर यूजिंग वाटर लाइक एनीथिंग, एंड दैट्स वाई अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ही डाउन जा रहा है. एज अ रिजल्ट दो द अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर पोटेबल वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द डिमांड ऑफ वाटर एंड इट्स सप्लाई. देखा जाए तो प्योर पोटेबल वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर, अब साफ सुथरा पीने लायक पानी मिलना हमारा ये तो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है बच्चों, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, और इसके बावजूद यू नो कि वाटर की जो डिमांड है और उसका सप्लाई है बच्चों, उसमें भारी अंतर, डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन वाटर सप्लाई कम होता जा रहा है, समझे. इवन टुडे
About 8% towns and 50% villages in India face acute shortage of clean drinking water. Right? कि हमारे भारत में 8% गांव और सॉरी 8% सिटीज हैं, टाउन्स हैं, और 50% विलेजेस, यू नो, आधे से ज्यादा विलेजेस, उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्योर पोर्टेबल वाटर उन्हें मिल नहीं पाता है, उनकी शॉर्टेज वो फेस कर रहे हैं. सोचो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि इतने पानी से घिरा हुआ देश होने के बावजूद हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वाटर क्राइसिस की, राइट? Nowadays, वाटर क्राइसिस हैज reached अ वेरी alarming स्टेज इन the arid regions ऑफ western राजस्थान एंड इंटीरियर areas ऑफ southern peninsula plateau. कि आज के दौर में अगर देखें बच्चों कि जो वेस्टर्न राजस्थान का जो इलाका है वो तो आपको पता ही है, एरिड रीजन है वो, यानी डेजर्ट एरिया है ना. तो डेजर्ट एरिया में तो पानी की दिक्कत, यू नो, पानी की किल्लत है, शॉर्टेज है, वो तो बहुत ही बढ़ गई है, राइट? सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान में ही नहीं, सदर्न दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के इलाकों में भी, राइट? क्योंकि वहां ज्यादातर रिवर्स है ही नहीं बच्चों, साउथ इंडिया में ज्यादा नदियां नहीं है, है ना, और अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी वहां कम है. प्रीवियस सेशंस में मैंने डिस्कस किया है कि क्यों वहां अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम है, क्योंकि वो प्लेटू है, माउंटेनस रीजन है, और इसीलिए अंडरग्राउंड वाटर लेवल वहां कम है, राइट? तो साउथ इंडिया और राजस्थान दोनों को ये पानी की शॉर्टेज की प्रॉब्लम वहां फेस करनी पड़ती है. दस प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस इज अ बिग चैलेंज टू ह्यूमन इंटरेस्ट, लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. हमारे ह्यूमन इंटरेस्ट के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए बच्चों, राइट? हमारे मानव जीवन के लिए, लाइवलीहुड, हाँ, हमारी रोजी रोटी कमाने के लिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री और देश के आर्थिक विकास के लिए ये प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस एक बहुत बड़ी चैलेंज है. कि अगर पानी की ही प्रॉब्लम से हम बाहर नहीं निकलेंगे बच्चों, तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे, राइट? सो दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर इंडिया, राइट डियर? तो बच्चों, आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया? प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस, राइट? इन द नेक्स्ट सेशन वी शैल डिस्कस द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, right? Till then, wish you all the very best for today's learning. Bye.